अज पंजाब दा बजट जिहड़ा है पेश कीता गया। कांग्रेस सरकार दा ए इस कार्यकाल दा आखिरी बजट सी ते इस बजट दे उत्ते साडी खास पेशकश है बजट पंजाब दा 2021। इस नाल शुरुआत करदे आं। चोणां तों पहलां आखिरी बजट सी ते इस करके वड्डे वड्डे ऐलान इस विच होए ने। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि चोण वरा वेखदे होए कई स्कीमां वधाईआं गईआं ने। बुढ़ापा पेनशन 750 तों 1500 रुपए कर दित्ती गई है। सारियां सरकारी बसां च महिलावां नूं मुफ्त सफ़र का ऐलान कर दिता गया। आशीर्वाद स्कीम 21,000 तों वधा के 51,000 कर दित्ती गई है। खेत मजदूरां दी कर्ज़ माफ़ी लई 526 करोड़ रुपए रखे गए ने। इसे तरह किसानां दी कर्ज़ माफ़ी लई 1712 करोड़ रुपए रखे गए ने। 1 जुलाई तो हूँ 6वें तनखा कमीशन का भी ऐलान कर दिता गया। तो वड्डे ऐलान होए ने पंजाब के बजट में, क्योंकि जाहिर जी गल है कि चोण वर है और लोगों नाल वड्डे वड्डे वादे किए गए हैं। लोगों को खुश करने की कोशिश आखिरी साल के जी है वो कांग्रेस सरकार वालों की गई है। वड्डियां गल्लां कीड़ियां ने, 10 वड्डे ऐलान कहे ने तुहानूं दसदे आं। पंजाब दी सारियां सरकारी बसों च महिलावां नूं हुण मुफ्त सफ़र मिलेगा। दिल्ली में पहला हो चुका है, हुण पंजाब दे विच भी किया जा रहा है। बुढ़ापा पेनशन स्कीम जिहड़ी है उसनूं 750 तो वधा के 1500 रुपए दुगनी कर दी गई है। बुढ़ापा पेनशन स्कीम आखिरी साल दे विच आशीर्वाद स्कीम जिहड़ी है उसनूं 21,000 तो वधा के सीधा 51,000 रुपए सरकार वालों आखिरी साल च कर दिता गया। तो आज़ादी घुलाटीए की पेनशन जिहड़ी है वह पहला 7500 रुपए सी, इसनूं भी वधा के हुण 9400 रुपए कर दिता गया। खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब तनखा कमीशन नूं भी लागू करन दा ऐलान कर दिता है। हालांकि ये हुण अगे जुलाई च जाके होएगा, 1 जुलाई 2021 तो इस नूं लागू करन दा ऐलान हो गया। किसानां नूं मुफ्त बिजली मुहैया कराउण दे लई 4650 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। ये पहलियां सरकारां तों ही चलदी आ रही है मुफ्त बिजली, उसनूं अगे जारी रख्या गया। 1 लाख तो ज़्यादा किसानां दी कर्ज़ा माफ़ी लई 1186 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। किन्ने किसानों का कर्जा माफ़ होएगा इस नाल ये देखना होगा, क्योंकि 90,000 करोड़ चाहिए ने। बेजमीने खेत मजदूरों के 526 करोड़ रुपए कर्ज़ माफ़ी लई 1712 करोड़ रुपए नाल ही जड़े वह भी ऐलाने गए हैं। सर्वोत्तम साहित्यक पुस्तक पुरस्कार की राशि 21,000 तो वधा के 31,000 रुपए कर दी गई है। पंजाबी साहित्य रत्न पुरस्कार की राशि 10 लाख तो वधा के 20 लाख रुपए कर दी गई है। श्रोमणी पुरस्कारों की रकम 5 लाख तो वधा के 10 लाख रुपए कर दी गई है। स्कूल सिक्ख्या के लिए 11,861 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नवें बस स्टैंड स्पीकर साहब ये भी बड़े MLAs की मांग सी, और ये रूपनगर धर्मकोट मुलापुर जीरा सर ये वास्ते 250 करोड़ रुपया नवे बस स्टैंड वास्ते रखा गया, और स्पीकर साहब 150 करोड़ दिया नवीं बसा जड़िया सरकार इस साल लेगी। और मैं स्पीकर साहब जी गल कही सी कि फ्री ट्रांसपोर्ट लेडीज़ वास्ते नहीं बल्कि स्टूडेंट्स वास्ते भी है।